क्यों ऐसे बजा रहे हैं इसको? गैस नहीं आ रही जी। दो माह से हमारे इलाके में इस गली में गैस नहीं आ रही। दो हमने टाइम महीने हो गए गैस नहीं आ रही, बस बिल से बिल भेजी जान दे। जाके चूल्हे वे लो सुकम सुके बहे ने सब मोहल्ले के मीटर जो है ना इधर पानी चला जाता है, थर्ड क्लास इलाका, ठीक है। जो हुकूमत जो है ना इसको पूछती नहीं है। उधर खड़े हो जाए, स्मेल ही स्मेल गैस की होगी, घरों में नहीं आ रही, गटरों में आ रही है भाई। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है, अब बारी आ गई है गैस वालों की। गैस तो आती नहीं है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये लोग कहाँ पर जाएँ? कानून को ये हाथ में नहीं लेना चाहते, इनके मामलात क्या हैं? यहाँ पे गैस कितने अरसे से नहीं आ रही और किसको कितना कितना बिल आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या मामलात हैं आपके? सर हमारे दो माह से कम गैस नहीं आ रही, ये देखें बिल 50,000 का ये है, 55,000 का ये है, ये एक माह के बिल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। पिछले बिल तो अलग, लेकिन दो माह से हमारे इलाके में इस गली में गैस नहीं आ रही। ये थोड़ा सा इलाका जो है मैंशन कर दें, ये कौन सा एरिया है, कौन सी जगह पर अभी हम मौजूद हैं? सर जी हम मरीम नवाज का हल्का है 119 एन ए, यहाँ से वो कामिया करवाया था उनको मरीम नवाज साहब को, लेकिन उन्होंने तो कहा था बिल कोई आएगा नहीं, लेकिन बिल आते हैं लेकिन गैस नहीं आती, बिल आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, हमारे बच्चों का कुछ ख्याल करें। ये देखें सारी हमारी माएँ बहन, ये भाई सब बचे, ये भी हमारा भाई है, इनको भी 50,000 बिल आया, हमें 50,000 की, ये 55,000 का बिल है, लिहाजा बराए मेहरबान इसकी गैस सही की जाए, तो वरना हम ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे। वही ख्वाजा आसिफ वाली बात, कोई शर्म होती है कोई हया होती है, बराए मेहरबानी बस। हमारी माँ जी क्यों है ना? बिल्कुल नहीं आ रही, दो हमने ढाई महीने हो गए गैस नहीं आ रही, बस बिल से बिल भेजी जान रहे, ते गैस दा उन्हां पता ही नहीं कि गैस भी देनी है कि नहीं देनी। किस तरह चल रहा घर दा सर्किट, किस तरह बच्चे भुखे सो रहे हैं, की मामला है? बच्चों ने भुखे सोन रहा, थापड़ थापड़ के की करिए, फिर किन्नी कदर सोवांगे भुखे? बस वही कि मैं बेवाई गई हूँ, मेरा धी पुत्र कोई नहीं, ना मेरा मियाँ है, तो मैं किन्ना को गैस बाल दी हूँ? गैस 3 महीने हो गए ने, एक कसम है जो साढ़े घर आ जाके चूल्हे वेख लो सुकम सुके पे ने, तो रोने उन्हों की जान भी सू भुखे बाहर छे। कंप्लेन वगैरह नहीं की इनको? की सी क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं जवाब देते, जवाब नहीं देते। अभी मसला हुआ या शुरू स्टार्टिंग से मसला चल रहा है? नहीं आ 3-4 महीने हो गए ने, बहुत ज्यादा हो गया। यही मसला 3 माह हो गए ना, गैस आती नहीं गई, भुखे बच्चे कभी सो जाते हैं, कभी बाजार से ले लेते हैं, कभी थोड़ा सा सिलेंडर भरा के कच्ची पक्की खा लेते हैं, बहुत मुश्किल पड़ी है। तो बाजारों खा ली, मेरे वर्ग के किचो खा भी गया, बाजार से आता क्या? हाँ जी भाई आई है, सियापा पिया सानू चूल्हे बाल के रोटियां पकाने रोज जानी सवाद, मैंने तो कम मसला ही इन्ने तकलीफ होती है, बराए मेहरबानी तानू कि साले वास्ते नो है इना इतना बाल की रोटी पकाने है, कोई गैस नहीं है, लकड़ा भी ते पैसे दी है, ओकड़ियां मुक्त पैसे नहीं है, वो भी लकड़ा पैसे तो बिल ना ना भेज देने, बिल हजार है तो हिसाब ना भेज देने, बिल कितो तार गया जब गैस नहीं आनी, बिल मुफ्त दा दईदा जी। आप रोए ना, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। मरियम नवाज को आपने वोट दी है तो वो आपकी खिदमत के लिए तो आई है, उन्होंने कहा मैं अपनी माओ बहनों बेटियों के तहफ़ के लिए आई हूँ। अजय तो कुछ भी नहीं हो कर दे, अजय तो कुछ भी नहीं हो कर दे, अजय तो सिर्फ भूखे मर गए, देखो मेरा की हाल हो रहा है, कमाने वाला कोई कोई नहीं। सर जी साडे वो कह रहे हैं कि साड़ी सेवरेज ही खराब है, वो कह रहे हैं पाइपलाइन चेंज होनी है, वो ना आए ने ना दोबारा, उस तो बाद खुडा मार के चले गए ने, यही तो पानी मीटर के बच्चे आ चुके हैं, विजिट करके गए हैं वो। हाँ जी आके वो तो उन्होंने खड्डा मारिया टोया मार के यह जी जो पाइपलाइन चेंज होनी है, उस तो बाद वापस कोई नहीं आया। हाँ जी चाचू आप इसको क्यों ऐसे बजा रहे हैं? इसको गैस नहीं आ रही जी, असं बड़े जलील हो रहे हैं, कमां ते जाना होंदा, रोटी नहीं पकती, भुखे चले जाइए,
फिर होर की करिए फिर सानू इन्हें ना बिल आ रहा पंजा हज़ार रुपया पंताली हज़ार रुपया बिल आ रहा अभी इतों मेरा मतलब बच्चे पालीए या बिल तारीए सर बिल का इशू एक लहदा है कि पंजा हज़ार या चाली हज़ार भी हज़ार जो गैस नहीं आ रही तो बिल किस चीज़ का आ रहा बिल भेजते ने एक गैस नहीं आ रही ना तो बिल भेजते ने अच्छा बिल भेजते ने सानू हर असं तार बच्चे भुखे मार के बिल तार बच्चे नहीं खाते है कितने बच्चे छे बच्चे ने हाँ जी बड़े हैं छोटे व्डे ने मेरा मतलब बच्चे भुखे कमां ते जांदे ने उन्होंने रुपया सौ सौ देईदा पुत्र बाहरों रोटी खा लेना कम ते चले जाना दिहाड़ी ना तोड़ना तो जब मेरा मतलब गल करन दा जां असीं भुखे ही रहना है तो बिल तारने ने किस मसल नूं तारने ने जां रोटी पानी पका के नहीं खाना सानू कम की लालच हैगी है कम करांगे तो मेरा मतलब बिल भुगतावांगे बच्चे पालांगे वह बच्चों के मूँह च ओहो जिहा पैंदा नहीं हैगा असीं बिल वाले पासे तुर पैंदे आ की करिए असीं तो फिर माड़ा बंदा यही कर सकता फिर खुदकुशी कर सकता है थर्ड क्लास इलाका ठीक है जो हुकूमत जो है ना इसको पूछती नहीं है पहले इधर आए थे अली परवेज ठीक है वो कहते ये कर देंगे वो कर देंगे इधर जो बाइक है ना हमारी पानी की वजह से डूब जाती है ठीक है वो इधर कहता है इधर नाले का मसला है तो वो हम करवा देंगे ये करवा देंगे इधर कुछ भी नहीं हो रहा इधर पीछे आए थे इलेक्शन थे तो अली परवेज साहब के तो वो इधर से जीत गए हैं लेकिन अब दोबारा वो आते नहीं हैं उनके पहले वालिद साहब थे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे वो पहले वो भी आते थे इधर वादे करते लेकिन इस इलाके में दोबारा आता कोई नहीं है इधर सारे मीटरों में नीचे पाइपलाइन लीक है ठीक है सब मोहल्ले के मीटर जो है ना इधर पानी चला जाता है ठीक है मतलब गैस की जगह गैस के मीटरों में पानी आ रहा है ठीक है हम कोशिश करते हैं खुद निकालते हैं लेकिन वो आते नहीं है हम कोशिश करते हैं मैं खुद बताते सब मोहल्ले के मीटर खोल के तो उसको पानी निकाल के किसी की आती किसी की नहीं आती हमारा मीटर भी जो है ना इसी वजह से उसकी सप्लाई जो है ना वो ख़राब हो गई है कईयों के जो है ना लोग इधर सिलेंडर भरवा के जो ये थर्ड क्लास इलाका है दिहाड़ीदार बंदे हैं सिलेंडर भी कितनी देर तीन टाइम तो बच्चों को ये कितनी देर भरवाएंगे वो इधर खाना खाएंगे या सिलेंडर भरवाएंगे अच्छा सिलेंडर का बिल अलग से है और जो गैस का गैस नहीं आ रही वो तो देने देना है वो तो देना है सिलेंडर तो हम पैसे से भरवा के लेके आते हैं गैस आती है मोहल्ले में गैस की सारी स्मेल होती है गटरों में से स्मेल आती है बाहर गैस की पैप फटे हैं जब आएगी आप खुद विजिट कर लें देख लें उधर खड़े हो जाएं स्मेल ही स्मेल गैस की होगी घरों में नहीं आ रही गटरों में आ रही है भाई सर मसले लोगों के बड़े हैं तो हल करें हल करवाएं कैसे ये चलेगा हम क्या कह सकते हैं बताएं ना आप आपके क्या इस पर हो सकता है देखो बात सुने जो भी मसले हैं वो तो कोई हल नहीं करता आप आज आ गए हैं माइक पकड़ के कल को आपने भी चले जाना है सर हम तो आए हैं ना हम तो आपकी आवाज़ आगे पहुंचाने आए हैं चलो पहुँचा दें फिर अगर आप ये मैसेज देंगे तो लोग सुनेंगे ना अब उनको क्या बैठे पता चलेगा कि इस इलाके में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा यार ये सब बातें ही हैं वो होता कुछ नहीं है कुछ भी नहीं होना मतलब कि ये जो कह रहे हैं ये ऐसे ही चलने दें सब ऐसे तरह इसी तरह ही चलेगा कुछ नहीं होगा करवाएंगे तो होगा ना हल करवाएंगे तो होगा ना वो आके सिर्फ वोट के लिए आए मतलब निकाला और चले गए मेजर तो हल निकालना है ना हाँ तो देखें ना हम तो आए हैं कि आपके यार क्या मसले हैं तो वो बताएं जो आगे लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको पता हो कि यार इस एरिए में मसले मसाइल हैं ये इलेक्शन से पहले वोट लेने के लिए आते हैं उसके पाँच साल बाद यहाँ पे कोई आता ही नहीं है साल बाद एक माह बाद नहीं आते बस खत्म इतना ही है काम हमारा वोट ले लिया बस खत्म हाँ जी रात गई बात गई मिले नारा साहब है मलक अक्षर बेग वो भी ऐसे मिले हो कभी घरों बाहर निकले ਮਨੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸੱਚੂ ਆਪਕੀ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹਾਂ 5-6000 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਲਾਏ 17-17000 ਰੁਪਏ ਪੇ ਹੈ ਮਰੀ तो नाज़रीन ये सूरत हाल है मरियम नवाज का ये हलका है ये बता रहे हैं NA119 और गैस के बिल आ रहे हैं गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही यहाँ पे और लोग यहाँ पे बर्तन अपने लेके बाहर निकल आए हैं
बच्चों को कैसे खाना खिलाएं, तीन टाइम का तो वही मुश्किल से हो जाएगा, एक टाइम का ही खिला के उनको जॉब पे भेज दें। बच्चे जो दूध नहीं गर्म हो रहा, बच्चे रो रहे हैं, मसले मसाइल काफ़ी हैं यहाँ पे, लेकिन इनको चाहिए कि यहाँ पे आके विज़िट करें, इनके मसले हैं जो हल करें। और अभी आगे जैसे ही विंटर चेंज होगा, सर्दी का मौसम आ जाना है, और बिल्कुल भी यहाँ पर गैस होनी नहीं है। फिर गैस वालों ने क्या करना है कि हर इलाके में जाना है और वहाँ पे जाके ना मीटरों में ये मीटर चेक करेंगे, जी आपका मीटर बहुत ज़्यादा चल गया, गैस नहीं आ रही। वो कहेंगे आपने पंप लगाया हुआ है अंदर, आप गैस चोरी कर रहे हैं, आप पे हम जो ना एक्स्ट्रा चार्जेस डाल रहे हैं, आपका मीटर कट जाएगा। मतलब कि पैसे जो है बनाने के बड़े तरीके हैं इनके पास, लेकिन मसला हल करने का तरीका एक भी नहीं है। सारी अथॉरिटी इनके पास मौजूद है लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। इनके जो भी है, आपने अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।